देख चंपक, भारत माँ के चार जायज पुत्र, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो भी हो, मनुजगढ़ का पता पूछना है ना, इन्हीं से पूछते हैं। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, लगता है गूंगे भी हैं। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, मनुजगढ़ यही है क्या? चंपक, लगता हम लोग मनुजगढ़ पहुंच गए। हाँ हाँ, ये मनुजगढ़ ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम दोनों को कहीं देखा है। खैर, यहां किस लिए आए हो? ये मेरा दोस्त चंदूलाल, इसने कल रात एक सपना देखा। कैसा सपना? मैंने कल रात एक अजीब सपना देखा। आप भाग रहे हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर आप दौड़े जा रहे हैं। आपके पीछे लगे हैं 5.5 गुंडे। 5.5 गुंडे? एक लंगड़ा था ना। फिर भी आप भागे जा रहे हैं। आप जंगलों से, पहाड़ों से, नदियों से, रास्तों से भागे जा रहे हैं। और फिर 5 गुंडों ने स्कूटर स्टार्ट किया और फिर घोड़े से उतर गए। स्कूटर स्टार्ट किया और घोड़े से उतरे, ये कौन सा सपना है? ये मेरा सपना है ना, आगे सुनिए। फिर इन 5 गुंडों ने म्यान से तलवारें निकाली और आप पर धड़ाधड़ गोलियां बरसा दी। फिर आप जमीन पर पड़े हुए हैं, बिल्कुल कड़क। आपके इन दोनों कानों में कानों में कपास। आप अर्थी पर लेटे हुए हैं, बिल्कुल सीधे। आसमान पर उल्लू रो रहे हैं क्योंकि आपने संगम नेर के साहूकार का पैसा नहीं दिया। वही तो लेने हम दोनों आए हैं। कैसे लौटाता मैं उसका फर्ज? यहां बारिश नहीं होती, फसल नहीं पकती, कहां से लौटाऊं मैं उसका कर्ज? हर तरफ मनहूसियत छाई हुई है। याद आया, तुम दोनों वही हो ना, चंदू और चंपक, जो गांव-गांव घूमकर लोगों का मनोरंजन करते हो। इस गांव में भी अपना कोई चमत्कार दिखा दो, इस गांव के लोगों पर जो एक मनहूसियत छाई हुई है उसे मुस्कान में बदल दो। अगर तुम दोनों ने ये काम कर दिया तो मैं साहूकार का एक एक पैसा वापस कर दूंगा। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे चंपू, बायां ये नहीं, ये होता है। हाँ हाँ, इसी हाथ का। ए रुको, तुम दोनों वही हो ना, इनामदार सरकार के बिंदावती मेहमान, जो इस मनुजगढ़ में लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए आए हो। अगर तुम लोग गांव के किसी एक आदमी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाते हो तो मैं अपनी इज्जत तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वाह नेताजी वाह, घर में नहीं है राशन, नुक्कड़ पे दे रहे हैं भाषण। क्या बे, तू कब से मेरी आंखों में आंखें डालकर क्या देख रहा है? देख रहा हूँ तुम्हारी सीधी आंख में पानी ही नहीं है और दूसरी आंख गरीब जनता की ओटों पर लगी है, और ये नाक सिर्फ नोटों की खुशबू सूंघने के लिए है, और ये मुंह जिससे सिर्फ रिश्वत की बदबू आती है, और ये कान जिसमें गरीब जनता की आवाज पहुंचती ही नहीं है, और ये हाथ सिर्फ इलेक्शन के वक्त जोड़ने के लिए होते हैं, और ये पीठ मुसीबत के वक्त गरीब जनता को दिखाने के लिए होती है, और ये पैर जो सिर्फ अपने मतलब के लिए ही उठते हैं। अरे चंदू, तूने इनकी तशरीफ के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अरे इनकी तशरीफ, ये तो सिर्फ संसद में नरम नरम गद्दों पर बैठने के लिए होती है। अच्छा तो मेरी भी बात सुनो, मैं तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ। तुम जैसे ही दो लोग
शहर से इस गांव में आए और एक पुलिस वाले को और मुझे शहर के हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ले गए और वहां पर पहले पुलिस वाले का ऑपरेशन किया उसके अंदर से बेईमानी निकालकर ईमानदारी डालने के लिए, लेकिन ऑपरेशन के दौरान वो मर गया। उसके बाद मुझे अंदर ले गए, मेरा भी ऑपरेशन किया लेकिन मैं बच गया। हम नेताओं की जात ही कुछ ऐसी होती है बच्चे, कितना भी कुछ कर लो कुछ नहीं होता है। होगा, जरूर होगा। तुम जैसे नेताओं का इलाज सिर्फ एक डॉक्टर करेगा और वो है जनता जनार्दन। अंकल अंकल कुछ सुनाओ ना, कुछ सुनाओ ना। अच्छा तो कुछ सुनना है, चलो आ जाओ। तो सुनो, ये चंपकलाल दुकानदार के पास गया और पूछने लगा, भाई अंडे कैसे दिए? दुकानदार ने कहा, फिर से पूछ। इसने फिर पूछ लिया, भाई अंडे कैसे दिए? तो दुकानदार ने कहा, भाव बताऊं या तरीका? अंकल हो गया, चलो निकलो। मुश्किल है भाई, यहाँ भी मुस्कान का कोई पता नहीं। अबे कहाँ है मुस्कान? चलो निकलते हैं। लेकिन क्यों माई, क्यों? इनामदार सरकार, आप इतने बड़े पापी हैं कि आज हमें पता चला है। याद करो इनामदार सरकार, याद करो जो पाप तुमने और इन गांव वालों ने किया है, जिसकी वजह से पूरा गांव मनहूस हो गया। याद करो, याद करो वो पाप। आज से 25 साल पहले जब मुझे ये पता चला कि मेरी पत्नी की कोख में एक लड़की पल रही है, तो मैंने वहीं उसकी माँ की कोख में उस बच्ची की जान ले ली। मुझे देखकर सारे गांव वालों ने फिर कन्या भ्रूण हत्याएं शुरू कर दी। जिसके वहां भी एक बेटी का जन्म होने वाला होता था, वो उसे
उसकी माँ के पेट में ही खत्म कर देता था। हम कन्या भ्रूण हत्या करते गए। बार बार इस तकलीफ की वजह से एक दिन मेरी पत्नी का भी देहांत हो गया। आज इस गांव में ना कोई लड़की है ना ही कोई औरत। जानते हो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है वो श्राप जो मेरी पत्नी ने मरते वक्त मुझे और इस गांव को दिया था कि आज के बाद इस गांव में कहीं खुशियों का नामो निशान नहीं होगा। अगर आज यहां कोई बच्ची नहीं है, कोई औरत नहीं है, तो उसकी वजह मैं हूं। ये मेरे ही पापों की सजा इन गांव वालों को मिल रही है। रोइए मत इनामदार सरकार, अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उसमें हम आपकी मदद करेंगे। इनामदार सरकार, इसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस मेरे इस गांव में खुशियां ले आओ।